हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एलसीएम और एचसीएफ का एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दिया गया क्वेश्चन है 84, 126, 140 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दी गई संख्याओं का आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो चलिए हम लोग इस महत्तम समापवर्तक को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है, इसमें पहले जो दी गई संख्या है उसको लिख लेना है आपको। 84 है, 126 है और इसके बाद है 140, और इन दी गई संख्याओं का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 84 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 21 लिख सकते हैं, और इसको और फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 को लिख सकते हैं, और 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। इसके बाद देखिए 126 को लिख सकते हैं 6 × 21 यानी 21 सका होता है 126। अब देखिए इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और यहाँ पे 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। इसके बाद देखिए 140 का फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 × 40 यानी 14 जा कितना होता है, 140 होता है। तो इज इक्वल टू देखिए 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। अब इसके बाद देखिए, अब क्या करना है, जो दी गई संख्याओं का गुणनखंड करने के बाद इनके गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड मिलता है, यानी जो कॉमन फैक्टर मिलता है, वही दी गई संख्याओं का क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। देखिए कॉमन क्या है, यहां पे देखिए सेवन कॉमन है। इसके बाद देखिए पहले वाले में देखिए 3 1 times है, और सेकेंड वाले में देखिए 3 2 times है, और थर्ड वाले में 3 है ही नहीं, यानी सब में कॉमन नहीं है तो 3 ले नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 को देखते हैं, पहले वाले में देखिए 2 2 है, सेकेंड वाले में देखिए 1 ही 2 है, और थर्ड वाले में भी 1 ही 2 है। तो जो सबसे कम रहेगा, ठीक है, उस जो सब में कॉमन हो सकता है जितना, उतना ही लेंगे। तो यानी 1 सब में कॉमन हो सकता है, यानी 1 2 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 है तो 5 वाली थर्ड वाले में है और किसी में नहीं है। तो देखिए 84, 126 और 140 यानी 140 का मसा देखिए जो फैक्टर कॉमन है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला फैक्टर क्या कॉमन है, 2 × सेकेंड, दूसरा फैक्टर क्या कॉमन है, 7। अब देखिए 7 × 2 = 14 यानी 7 × 2 = 14 यानी दी गई संख्याएं 84, 126 और 140 का जो मसा हो जाएगा वह क्या होगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 15, 18, 24, 27, 36 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो दी गई संख्याएं हैं सबको आपको लिख लेना है, 15, 18, 24, 27, 36। इसके बाद आपको क्या करना है, भाग विधि से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ऐसी छोटी छोटी संख्या से आपको डिवाइड करना है जो कम से कम दो संख्याओं को डिविजिबल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, जो डिवाइड नहीं होता उसको सेम लिख देते हैं। इसके बाद देखिए 2 9 = 18, इसके बाद 2 12 = 24, और यहाँ पर हो जाएगा ये डिवाइड नहीं होगा इसको सेम लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, क्लियर है। अभी देखिए दो नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, तो यहाँ देखिए फिर 2 से डिविजिबल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 सेम लिखेंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल है नहीं, 9 भी सेम लिख देंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 6 = 12, 27 डिविजिबल नहीं तो इसको भी सेम राइट करेंगे, 2 9 = 18, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अब ज़्यादातर नंबर किससे डिविजिबल है, 3 से, तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 5 = 15, 3 3 = 9, 3 2 = 6 और 3 9 = 27 और 3 3 = 9। इसके बाद देखिए
थ्री से अभी भी ज़्यादा नंबर्स डिविजिबल हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 3 1 3, ये भी नहीं होगा तो इसको सेम लिख देंगे 3 3 9, और यहाँ पे देखिए 3 1 3। अब इसके बाद देखिए सारे नंबर आपके क्या आ गए, डिफरेंट आ गए ना, तो क्या जिससे डिवाइड किए हैं उसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। तो हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3 × जो भी यहाँ पर भागफल है, ठीक है, तो हो जाएगा 5 × 1 × 2 × 3 × 1। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12 12 × 3 = 36 इंटू, इसके बाद देखिए 5 × 2 = 10 10 × 3 = 30, ये 0 हो जाएगा, 3 6 = 18 को 8 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 1, 3 3 = 9 + 1 = 10, यानी आपका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा दी गई संख्याओं का 1080 यानी 1080 होगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 14/33 42/55 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो भी दी गई संख्याएं हैं सबको आप लिख लेंगे 14/33 42/55 21/22। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, महत्तम समापवर्तक जो फाइंड करना होता है वही हम लोग न्यूमिरेटर यानी अंश का निकालते हैं, यानी यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, लेकिन जो हर का जस्ट अपोजिट निकालते हैं, यानी यहाँ पे महत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंश का महत्तम समापवर्तक ही निकालेंगे, लेकिन हर का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, क्लियर है। तो यहाँ देखिए SCF ऑफ 14 42 21, और नीचे क्या हो जाएगा LCM 33 55 22, क्लियर है। यानी जब भी फ्रैक्शन का यानी जब भिन्न का आपसे क्या पूछा जाए, महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, तो जब महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो अंश का यानी जो ऊपर वाला है उसका मसा ही निकालते हैं यानी SCF ही निकालते हैं, बट नीचे वाला जस्ट अपोजिट यानी लसा निकाल लेते हैं, क्लियर। तो अब करना क्या है, जो दी गई संख्याएं यहाँ पे हैं इनका यदि आप क्या निकालते हैं मसा, यानी 14 42 और 21, इसका जब मसा निकालेंगे तो आएगा 7, क्या जाएगा 7, क्योंकि 7 सब में क्या है कॉमन है, 7 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, यानी 7 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो क्या करेगा दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा। इसके बाद देखिए इन सब का 33 55 22, इसका LCM क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कैसे होगा देखिए इसमें इसको हम लिख सकते हैं 3 × 11, इसको लिख सकते हैं 5 × 11, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 11 सब में कॉमन है तो 11 हो जाएगा, इंटू जो रिमेनिंग बचे हैं उसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 5 × 2, तो यहाँ देखिए 33 हो जाएगा × 5 × 2 = 10 यानी 330। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा जो SCF आएगा 7 आएगा और इसका LCM कितना आ जाएगा 330, यानी जो दी गई संख्याएँ हैं उसका जो आपका महत्तम समापवर्तक होगा 7/330 होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी भिन्न का आपसे महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो अंश का मसा ही निकालते हैं, लेकिन हर का क्या निकाल देते हैं लसा निकालते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 11/14 55/42 33/35 44/63 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी कोई भिन्न में संख्याएं दी गई हो और उसका आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं को लिख लेंगे आप, यानी यहाँ पर देखिए है 11/14 और यहाँ पर है 55 यानी 55/42 और यहाँ पर है 33/35 और यहाँ पर है 44/63,
तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को लिख लेंगे। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है। तो देखिए, चाहे लघुत्तम समापवर्त हो चाहे महत्तम समापवर्त हो, जो आपसे पूछेगा वही अंश का निकाला जाता है, अंश का वही निकाला जाता है, यानी जो आपसे पूछता है अंश का वही निकालेंगे। लेकिन हर में अलग अलग होता है, जब लघुत्तम समापवर्त होगा तो हर का क्या निकलता है, मसा निकलता है, यानी महत्तम समापवर्तक निकलता है। यदि महत्तम समापवर्तक आपसे पूछा है तो हर का क्या निकलता है, लघुत्तम समापवर्तक निकलता है। हर में चेंजिंग होता है, लेकिन अंश में जो पूछेगा वही आपको निकलना होता है। तो यहाँ पर देखिए, लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो यानी एलसीएम किसका आपको निकालना है, 11, 55, 33, 44, क्लियर। और एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम आपको फाइंड करना है तो जो डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा आपका, एचसीएफ निकलेगा, यहाँ पर जाएगा 14, 42, 35, 63, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें 11 है और यहाँ पे 11 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 11 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 सब में कॉमन है तो 11 हो जाएगा, इंटू रिमेनिंग क्या बचता है, 5 इंटू 3 इंटू 4 अपान, देखिए सब में 7 कॉमन है, सब में 7 कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 3 जा 33 इंटू 4 5 जा 20 अपॉन 7, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 अपॉन हो जाएगा 7, यानी इन दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 660 अपॉन 7, यानी 660 बटा के 7। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी दशमलव वाली संख्याएं दी गई हो, दशमलव वाली संख्याएं दी गई हो, उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना हो, उनका लघुत्तम समापवर्त निकालना हो या फिर महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो दी गई संख्याएं हैं यहाँ पे उसका निकालना है आपको महत्तम समापवर्तक। तो करेंगे क्या, सबसे पहले जो दी गई संख्याएँ हैं उसको लिख लेंगे, यानी 1.75, 5.6, इसके बाद 7, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 175/100, पॉइंट को हटाने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे डिवाइड कर देंगे, क्लियर। वैसे यहाँ पर देखिए हो जाएगा 56/10, क्योंकि 1 प्लेस पर पॉइंट है तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 7 है तो 7/1 ही, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ है, क्लियर। इसको हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में लिख लेंगे। इसके बाद सेम प्रक्रिया, प्रोसेस वही होगा जो पहले आप लोग कर रहे थे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो क्या करेंगे, जो पूछता है अंश का वही निकालते हैं, यानी एच सी एफ किसका निकलेगा, 175/56/7 अपान एलसीएम, नीचे का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो जस्ट उसका उल्टा ही उसके हर का निकलता है। तो यहाँ देखिए 100, 10 और 1, तो यहाँ पर देखिए इसका यदि आप एलसीएफ निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 7, क्योंकि 7 ही वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो सब में क्या है, कॉमन है, और यह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। अपान क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम में क्या होता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जो सबसे डिविजिबल हो जाए, यानी सबसे विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या है इसमें, 100। अब देखिए 100 एक ऐसा छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/100, यानी इसको हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.07, यानी इन दी गई संख्याओं का जो मसा होगा, जो मसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.07, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई दशमलव संख्याएं उसको लिख लेंगे। तो 0.36,
1.2, 4.8 लिख लिया आप लोग। इसके बाद क्या करना है आपको कि जो दी गई संख्या है उसको हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टू प्लेसेस पर पॉइंट लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 36/100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वन प्लेस पर पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यानी 12/10 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर भी वन प्लेस पर पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 48/10। इसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त। तो अभी हमने बताया था कि जब फ्रैक्शनल वैल्यू का आपको क्या निकालना हो, लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ जब लघुत्तम समापवर्त पूछेगा तो जो इसका अंश है यानी जो इसका न्यूमरेटर है उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी जो पूछ रहा है वही निकाल देंगे। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त पूछ रहा है यानी एलसीएम पूछ रहा है ना, तो जो इसके अंश का निकलेगा वह एलसीएम ही निकलेगा, यानी 36/12 और यहाँ पर हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए जो इसका अंश का है जो पूछता है उसका जस्ट अपोजिट, यानी जब लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा तो हर का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यदि आपसे महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो हर का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्लियर। तो यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्तक पूछता है तो अंश का तो लघुत्तम समापवर्तक ही निकलेगा, लेकिन हर का क्या निकलेगा, महत्तम समापवर्तक निकलेगा, यानी HCF किसका निकलेगा 100 10 10, क्लियर है। अब देखिए यदि इन सब का आप क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 144, क्या आएगा 144। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्योंकि 144 ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग देंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, वही क्या होता है लघुत्तम समापवर्त होता है। अब देखिए एचसीएफ की बात आ रही है तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो सब में शामिल होगा वही क्या होगा, दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहाँ देखिए 10 क्योंकि 10 देखिए सब में शामिल है तो यहाँ पर इन सब का क्या एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14.4, यानी आपके जो यहाँ पर दशमलव वाली दी गई संख्याएं हैं इनका जो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा यानी लसर क्या हो जाएगा 14.4, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है, यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर होता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसर गुणे मसर। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या दिया गया है यहाँ पे कितना 128 इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है इसको आपको निकालना है, इज इक्वल टू लस दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है 1920 इंटू मस कितना दिया है देखिए यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो 1920 गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1920 गुणे 16 और यहाँ पर देखिए 128 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 16 बटे 128, अब देखिए 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 दूना के 16, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौके 32 यानी कितना हो गया 240, यानी जो दूसरी संख्या आपकी हो गई, दूसरी संख्या बराबर 240, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जितना कैलकुलेशन फास्ट करेंगे उतना ही जल्दी क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा
महत्तम समापवर्तक 8 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इसका मैं एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए वह तरीका क्या है, तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे पूछे लघुत्तम समापवर्तक यानी लस आपसे पूछे और क्या क्या दिया रहे उन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हो और मस दिया हो, तो उस क्वेश्चन में हम लोग लस कैसे निकालेंगे। तो लस बराबर होता है जो अनुपात दिया गया है, यहाँ पर देखिए 2:3 है, इन दोनों अनुपातों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 2×3। इसके बाद करना क्या है, जो इसका मस दिया हुआ है, जो इसका मस दिया है यानी महत्तम समापवर्तक दिया है उसका भी इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 8 का भी इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2×3=6×8 बराबर हो जाएगा 48। यानी यहाँ पे जो दो दी गई संख्याएं थी जिसका अनुपात 2:3 था उसका जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा 48 होगा। ये 48 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याएँ 2:7 के अनुपात में हैं तथा इनका लस यानी लघुत्तम समापवर्तक 42 है तो इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जब भी देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका लघुत्तम समापवर्तक भी दिया हो और आपसे क्या पूछ दे महत्तम समापवर्तक यानी मस आपसे पूछा है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या करेंगे, लस बटा के अनुपात का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा जो इसका लसा दिया है कितना दिया है 42 और डिवाइड किससे करना है, जो अनुपात दिया उसके गुणनफल से यानी 2×7। तो यहाँ पर हो जाएगा 42/14 यानी 14×3=42 यानी जो यही 3 आपका है, इस जो दो संख्याएं हैं जिनके बीच का अनुपात दिया गया है उनका यह क्या है मस है, तो 3 क्या है करेक्ट आंसर है। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।